दिखाओ उधर दिखाओ। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जब 22 तारीख को अपने घर पे आया था ड्यूटी से, तो आते देखा तो मेरे मोबाइल के अंदर मैसेज था, जो मेरा पर्सनल मोबाइल है, मैं लोको पायलट अजमेर में हूँ, मेरा लोको पायलट मेरा पर्सनल मोबाइल जो है जिस पे मेरे बैंकिंग के होते हैं वो मेरा घर पे रहते हैं, जो बेगल रेलवे सीयूजी में साथ में लेके जाता हूँ, वो भी ऑफ ड्यूटी के ऑन ड्यूटी से ऑफ ड्यूटी मेरा बंद रहता है। मैं जब 22 तारीख आकर के देखा जब मैं सो रहा था तो मालूम पड़ा कि मेरे मोबाइल पे मैसेज आए हैं, जो मैसेज मैंने देखा था उसके अंदर से मेरे एटीएम से पैसे गायब निकले हैं, जबकि एटीएम मेरे पास में ही था। 20 तारीख को 21 तारीख को मैं मारवाड़ में ही था, जबकि एटीएम मेरे पास में ही था, फिर भी एटीएम से पैसे निकल रहे थे, जिसकी सूचना मैंने रामगंज थाने पर भी दी और अजमेर वहाँ पे बैंक में जा कर के मैंने तुरंत बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मैंने जाकर के इसकी सूचना दी कि मेरे इसमें से पैसे कैसे निकल रहे हैं, तो उन्होंने बोला आपने एटीएम से पैसे निकालना, जबकि एटीएम मेरे पास ही मौजूद था और मैं अजमेर में भी नहीं था, जबकि अजमेर से ही पैसे एटीएम से निकले हुए हैं। एटीएम की जो अपने आईडी संख्या है वो है 00603012, इससे 5-6 ट्रांजेक्शन हुए हैं, 00603026 इससे ट्रांजेक्शन हुए, सारे के सारे जितने भी हुए हैं। ये कितने पैसे निकले आपके? जो ये मेरे सर अपने जो है 17 तारीख से निकल रहा है, डबल डबल करके 15,000, फिर 10,000, फिर 5,000, 5,000 ऐसे करके निकल रहा है। कितना निकल गया? करीब ये सर 90,000 रुपये करीब मेरे इसमें से निकल पैसे निकल सकते हैं। मैंने ये अपने FIR दर्ज कराई है अपने रामगंज थाने के अंदर, जिन्होंने मेरी FIR दर्ज कर ली है। फिर कल अजमेर फिर कैसे पता चला आपको? मैं अजमेर जब ऑफ ड्यूटी होकर के जब घर पे आया था, घर पे आकर के मैं रेस्ट कर रहा था, तो मैंने मोबाइल को चालू करा था, मोबाइल चालू करते उसमें मैसेज आने चालू हुए, मैसेज जैसे चालू हुए मुझे मालूम पड़ा कि भले मेरे बैंक से खाते से पैसे निकल रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं। मैं तुरंत उठा और उठ करके सीधे पहले तो बैंक गया, बैंक में जा करके ATM को उनको बंद करवाया मैंने, बंद करवाने के बाद फिर उसकी सूचना दी उनको, वहाँ से लॉक करवाया, उसके बाद सीधे रामगंज थाने पे गया। तो रामगंज थाने जाते मैंने पहले इन्फॉर्मेशन करा, इन्फॉर्मेशन करने के बाद उन्होंने मेरे को बोले ठीक है आप बैंक में जा कर के ये कार्रवाई करो, बैंक में जा कर के लिखित कार्रवाई कर दी मैंने, सारी खाते को बंद करवाया और ATM उनको बंद करवाया, फ्रीज करवाया, फ्रीज करा दिया। हाँ, उसके बाद मैंने रामगंज थाने में FIR दर्ज कराई, जिसकी मेरी कल FIR 23 तारीख को दर्ज हो गई है। और FIR दर्ज करके मैं लोको पायलट मालगाड़ी अजमेर में हूँ, अजमेर में कार्यरत करता हूँ सर। आपका नाम? जो मेरा है गुरुदत्त मिश्रा, लोको पायलट अजमेर। आपका